आखिर कब खत्म होगी संजय लीला भंसाली की मुसीबतें? कब हटेगा पद्मावती पर लगा ग्रहण? जब से फिल्म पद्मावती की शूटिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक संजय लीला भंसाली को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। कभी जयपुर में सेट पर तोड़फोड़ और मारपीट हुई, तो कभी कोल्हापुर में सेट को जलाकर खाक कर दिया गया, और अब दो बड़े हमलों के बाद पद्मावती का विरोध करने वालों ने भंसाली के पुतले पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। जी हां, शनिवार को मुंबई के पास नाला सोपारा इलाके में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर फिल्म का विरोध किया और इस दौरान उन्होंने संजय लीला भंसाली का पुतला भी जलाया। बताया जाता है कि नाला सोपारा की घटना को लेकर पुलिस में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और ना ही भंसाली की टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी हुआ है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह स्टारर पद्मावती को लेकर विरोध ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का है। करनी सेना का कहना है कि वो रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच के रिश्तों को दिखाए जाना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि भंसाली पहले ही सफाई दे चुके हैं कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।